बसमिल्लामानीम आई एम शुमाइल खान आई एम टीचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन आई एम टीचिंग आर्ट एंड क्राफ्ट बी एड सिक्स सेमेस्टर स्वाड इज़ फाइन थ्री वन टू नाइन लैक्चर फर्स्ट टाइटल एलिमेंट ऑफ आर्ट टीचर नेम शुमा खान एंड आमना सुहेल प्रेजेंटेड बाय शुमाइल खान एलिमेंट ऑफ आर्ट What are the elements of art? The elements of art are the tools that artists use to make art. There are seven of them line, value, texture, shape, form, color, and space. Line. A line is a path that a point takes through space. Line can be thick, thin, dotted, or solid. They can make straight movement, zigzag waves or curl. They may be horizontal, vertical and diagonal. You can see horizontal lines. Horizontal lines are generally restful like the horizon where the sky meet land vertical lines vertical lines seems to be reaching so they may seem inspirational like tall majestic tree or building and you can see also uh, wallpaper like this and many other pattern diagonal lines diagonal lines likely to be disturbing they suggest decay or choose like lightning or falling tree लाइन्स लाइन्स कन कन्वे इमोशन्स एंड एज वेल दे मे शो एक्साइटमेंट एंगर कामनेस टेंशन हैप्पीनेस एंड मैनी अदर फीलिंग्स। बिकॉज ऑफ दिस सम आर सेट टू बी एक्सप्रेसिव आप देख सकते हैं या यू कैन आर सो एक्सपीरियंस के जब हम हैप्पी होते हैं तो हम जब पेंसिल्स हमारे पास होती है तो हम पेपर पर किस तरह की लाइन्स लगाते हैं बड़ी स्पीड स्पीड में लगा रहे होते हैं अप एंड डाउन करके अगर कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक अलग हमारी लाइन की मूवमेंट हो जाती है अगर हम बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो लाइन बहुत क्लोज क्लोज और बहुत ऊपर नीचे करके हम बनाते हैं इसी तरह बहुत सारी लाइन्स हमारी फीलिंग के हिसाब से चेंज होती रहती हैं तो जो लाइन हमारी फीलिंग के हिसाब से चेंज होती हैं वो एक्सप्रेसिव लाइन्स कहलाती हैं एक्सप्रेसिव लाइन टेंड टू बी फाउंड इन नेचर एंड आर वेरी ऑर्गेनिक ठीक है आपको ये एक्सप्रेसिव लाइन जो हैं ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक इमेज़ में मिलेंगी यू कैन सी इन स्लाइड्स लाइक शे आपके पास सामने जो नज़र आ रही हैं शेल्स हैं लीव्स फ्लावर एंड ट्रीज इनकी जो लाइन है बड़ी एक्सप्रेसिव होती हैं अगर आप इनके कलर या इनके शेड निकाल के सिर्फ एक जस्ट आउटलाइन ही छोड़ दें तो भी आपको पता चल जाएगा ये किस चीज़ को शो कर रही है लाइन मतलब इनके अंदर इतनी एक्सप्रेसिवनेस होती है कि खुद बोलती हैं कि हम ये हैं ठीक शेप्स शेप इज क्रिएटेड वेन अ लाइन बिकम कनेक्टेड एंड इन क्लोज स्पेस जब हम चार लाइन या तीन लाइन्स को आपस में बिना स्पेस के ज्वाइंट कर देते हैं तो हमारे पास शेप्स के फॉर्म में आ जाती हैं ठीक इट्स द आउटलाइन और आउटवर्ड अपेयरेंस ऑफ समथिंग शेप्स आर टू डायमेंशनल मीन्स टू डी स दे आर टू वे दे कैन बी मयर मतलब आप उसकी हाइट और उसकी विथ को मयर कर सकते हैं और शेप्स भी हमारे पास दो किस्म की होती है दे आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ शेप लाइक फर्स्ट जोमेट्रिकल जोमेट्रिकल शेप्स है ठीक है उसके जो एज है वो मयरेबल है यू कैन सी इन द इमेज द इनक्लूड द स्केयर द सर्कल द ट्राइंगल एंड द रेक्टेंगल आप जो शेप्स के अंदर देख सकते हैं कि हम सर्कल को भी मैयर कर सकते हैं उसकी हाइट और लेंथ भी ट्राइंगल एंड ये चार बेसिक शेप्स हैं जो कि जोमेट्रिकल शेप्स में आ जाती हैं बाकी सारी चीज़ें इन्हीं की शेप की मदद से आगे अपनी चीज़ें बनती जाती हैं ऑर्गेनिक शेप ऑर्गेनिक शेप्स हैव मोर कॉम्प्लिकेटेड एच and are usually found in nature leaves flowers amoeba etc organic shapes आपको natural चीज़ों में मिलेगी ज़्यादातर mostly for example जैसे आप यहाँ पर leaf देख सकते हैं इसके अंदर shapes है and अदर leaf में shape है ठीक है अगर फ्लावर है तो उसमें भी शेप है अमेबा है तो उसमें भी आपको एक lines नज़र आ रही हैं जो कि खुद अपनी फॉर्म बताती हैं कि हम ये हैं अच्छा फॉर्म। अब फॉर्म क्या है फॉर्म हमारे पास तब आती है जब हम दो शेप्स को इकट्ठा करके एक थर्ड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अब आप यहाँ पर देखें सबसे पहले अगर हम इसे अलग कर दें तो हमारे पास ये एक स्क्वायर फॉर्म में था फिर हमने इसके साथ दो ट्रायंगल ऐड किए तो ये दो ट्राइंगल ऐड करके हमारे पास एक बॉक्स की सूरत में हमारे पास आ गया है ठीक है इसी तरह हमने जो सिलेंडर इमेज पे नज़र आ रहा है ये एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल था रेक्टेंगल में हमने सर्कल ऐड किया तो हमारे पास ये सिलेंडर शेप में आ गया ठीक अ फॉर्म इज़ द शेप दैट हैज़ बिकम थ्री डायमेंशनल मीन्स थ्री फॉर्म हैज़ हाइट वर्थ एंड डेप्थ आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी है इसकी विर्थ भी है इसकी डेप्थ भी है चाहे वो स्क्यर है चाहे वो हमारे पास सिलेंडर है ठीक है आप इसकी तीनों चीज़ें मैयर कर सकते हैं ठीक जिस ऑब्जेक्ट की हम तीनों चीज़ें हाइट विर्थ और डेप्थ मैयर कर सकें वो फॉर्म आ जाती है विच इज़ द थर्ड डायमेंशनल डेप्थ शोज द थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स आर नॉट फ्लैट लाइक शेप्स आर मतलब फॉर्म जो है फ्लैट नहीं होती जिस तरह की तरह शेप्स फ्लैट होती हैं रिटोटिंग शेप्स इन टू फॉर्म अ ट्राइंगल बिकम्स अ कॉन और अ पैरामिड अ स्क्वायर बिकम अ क्यूब सी लाइक दिस सर ट्राइंगल अब ट्राइंगल हमारे पास एक सिंपल शेप है ठीक है उसको हमने कॉर्न में कैसे कन्वर्ट किया हमने उसकी बॉटम लाइन को हमने थोड़ा सा राउंड में कर्व में कन्वर्ट कर दिया तो हम हमारे पास कॉन में आ गई फिर आगे हमने थर्ड उसका देखे तो उसके अंदर हमने टू लाइन्स ऐड की हैं तो वो हमारे पास पैरामिट की फॉर्म में हमारे पास आ गया जो हमारे पास एक शेप थी वो फॉर्म में कन्वर्ट हो गई इसी तरह जब हमारे पास एक स्क्वायर है स्क्वायर क्यूब में कैसे कन्वर्ट हो गया हमने उसको टू ट्रायंगल हमने टू रेक्टेंगल सॉरी टू रेक्टेंगल ऐड किए तो वो हमारे पास क्यूब की फॉर्म में हमारे पास आ गई शेप ठीक इसी तरह अ रेक्टेंगल है रेक्टेंगल कैन बिकम अ बॉक्स और अ सिलेंडर आपको रेक्ट के साथ हमने कैसे बॉक्स को कन्वर्ट किया और फिर हमने अगेन उसको सिलेंडर में कैसे कन्वर्ट किया ठीक हमारे पास एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में हमने टू बॉक्स और ऐड किए टू शेप्स और ऐड की तो वो हमारे पास एक बॉक्स में कन्वर्ट हो गया और इसी तरह हमने रेक्टेंगल में सर्कल एड किया तो वो हमारे पास सिलेंडर के शेप में फॉर्म में हमारे पास आ गया ठीक इन ऑर्डर टू टर्न अ सर्कल अगर हमें सर्कल को कन्वर्ट करना है फॉर्म में तो हम उसके अंदर चीज़ें ऐड नहीं करेंगे हम उसके लाइट और डार्क अदर साइड जो उसकी है उसको निकालेंगे यू कैन सी इन द पिक्चर यू कैन ऐड एन अदर साइड टू इट मतलब अदर साइड मतलब हम उसका डार्क का टोन निकाल के थोड़ी सी उसको बताएंगे उसमें चीज़ें नहीं ऐड कर सकते हम कोई और शेप्स ऐड करके सर्कल से कुछ और नहीं बना सकते ठीक वैल्यूम वैल्यू इज़ द लाइटनेस और अ डार्कनेस ऑफ अ कलर वैल्यू मेक ऑब्जेक्ट अपेयर मोर रियल बिकम इट्स इमिटेटेड नेचुरल लाइट मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमें वैल्यू निकालनी होती है वो इतनी रियल निकालनी होती है उसको इतना ज़्यादा इमिटेट करना होता है कि वो बिल्कुल रियल लगे और उसके लिए हमें क्या करना होता है सबसे पहले हमें सोर्स ऑफ लाइट अपना चेक करना होता है उसको ऑब्जर्व करना होता है कि लाइट किस साइड से हमारे पास आ रही है हमारे ऑब्जेक्ट पे और उसका जो पॉजिटिव uh, एरिया है वो डार्क होगा। शोइंग वैल्यू इन अ वर्क ऑफ आर्ट यू विल नीड अ लाइट सोर्स ठीक है लाइट सोर्स इज़ द प्लेस वेयर द लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम द डार्कस एरिया आर ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट यू कैन सी हमारे पास जो सर्कल हमारे पास नजर आ रहा है उसकी वैल्यू कैसे निकालिए कि हमने पहले सोर्स ऑफ लाइट देख के अपनी लाइट को कैप्चर किया है और उसके बाद उसकी अपोजिट साइड को हमने डार्क कर दिया तो जैसे ही हमने उसकी अपोजिट साइड को डार्क किया है हमारे पास उसकी सर्कल की वैल्यू नजर आ गई है इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल ड्राइंग यू विल नीड टू शो अ फुल वैल्यू रेंज Which means that they are very light area, middle tone and very dark area. This is a way of giving अ work of art contrast. ठीक के हमारे पास हमने किसी की भी किसी भी ऑब्जेक्ट की आपके पास मैं ये बात सिर्फ सर्कल के लिए नहीं कह रही आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है आप जब उसको ड्राइंग करने लगे हैं तो आप किसकी फुल वैल्यू रेंज तब तक नहीं निकालेंगे जब तक आप उसकी तीनों क्वालिटी ना निकाल लें तीनों क्वालिटी मीन्स उसकी हाईलाइट मतलब उसके लाइटर एरियाज हैं ठीक है फिर मिडल टॉन एंड फिर डार्कर एरिया जब ये तीनों चीज़ें आप उसके अंदर ले आएंगे तो उसकी फुल वैल्यू रेंज बन जाएगी दिस इज़ द वे गिविंग वर्क ऑफ आर्ट कंट्रास्ट मतलब इस वजह से हम आर्ट में कंट्रास्ट पैदा करते हैं इन ड्राइंग वैल्यू कैन बी एडिट सीवेरियल वेव्स ठीक है वैल्यू बहुत से तरीकों के साथ ऐड की जा सकती है ड्राइंग के अंदर ठीक लेकिन बेसिक क्या है आपने तीनों चीजें उसके अंदर लेनी है लाइट मिडल एंड डार्कर एरिया कलर्स अ लॉन्ग टाइम अगो आर्टिस्ट डिसाइडेड डेट दीज कलर्स वुड बी मोर यूजफुल टू देम इफ वर प्लेस्ड इन अ व्हील फैशन व्हील फैशन अब आपके पास जो हमारे पास जो सामने कलर व्हील नजर आ रहा है आपको स्लाइड्स के अंदर आप उसे देख सकते हैं उसके अंदर तमाम कलर हैं दिस बिकम नॉन एज द कलर विल जिसे आजकल हम कलर विल के नाम से जानते हैं अब आप इसमें हम रेड से स्टार्ट करते हैं आप इसके अंदर कलर देखने कौन कौन से हैं रेड से स्टार्ट करते हैं रेड से हम येलो की तरफ आते हैं तो रेड ऑरेंज ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो फिर येलो से येलो ग्रीन, ग्रीन 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 ब्लू फिर अदर ब्लू ब्लू वायलट वायलट एंड रेड वायलट एंड अगेन रेड पास हमारा कलर व्हील जो है वो ट्वेल्थ सेक्शन में कंप्लीट हो जाता है ठीक आज की स्लाइड्स और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंड ठीक थैंक यू अल्लाह हाफिज स्टे ब्लेस